हेलो गाइस, मैं हूं रचना और फिटनेस विद रचना में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा व्रत है क्योंकि आज मंडे है और मैं हर मंडे का व्रत रखती हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को आज व्रत के फायदे के बारे में बता दूं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि व्रत के क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे हम इससे वेट लॉस कर सकते हैं और कैसे हम इससे बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप लोगों को व्रत जरूर रखना चाहिए हफ्ते में एक बार। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं व्रत के फायदे। फास्टिंग यानी कि उपवास, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भोजन को छोड़ देना, जिसका उपयोग लंबे समय से प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस चीज को मान्यता दी गई है। ये सबसे सस्ता और इफेक्टिव तरीका होता है अपनी बॉडी को स्वस्थ और निरोग रखने का। इसको हमारे धर्मों में भी मान्यता दी गई है। प्राचीन काल से ही रोगों से लड़ने के लिए उपवास का सहारा लिया जाता था और किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उपवास को ही दवा समझा जाता था। और ये ठीक भी था, क्योंकि जब हम खाना नहीं खाते और फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है और वो अपने ऑर्गन्स की रिपेयरिंग को शुरू कर देता है, उनको हील करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है, लेकिन जब हम खाना खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने में ही लगी रहती है और हम हर 2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं और हमारी बॉडी की सारी ऊर्जा हमारे खाने को पचाने में ही लगी रहती है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो वही ऊर्जा जो कि हमारे खाने को पचाने में लग रही थी, वो ऊर्जा बच जाती है और वो ऊर्जा हमारी बॉडी को रिपेयरिंग करने के काम आती है। वो हमारे टिश्यू सेल्स जो होते हैं उनको रिपेयर करती है, वो हमारी बॉडी को हील करती है। वो हमें मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली तीनों तरीके से हीलिंग का काम करती है। फास्टिंग से इंसान के ठीक होने की स्पीड बढ़ जाती है, उसकी बॉडी की अंदर से क्लीनिंग होती है, उसकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, पॉइजनस पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं और ब्लड प्योरीफाई होता है। इंसान एक बार में बहुत ही ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेता है और वो कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, लेकिन जब वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा को खा लेता है तो उस खाने का कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को चलाने में यूज होता है और जो एनर्जी बच जाती है, क्योंकि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो जो एनर्जी बच जाती है वो एनर्जी फैट में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी पे मोटापा चढ़ा देती है और यही फैट हमें मोटा बनाता है। कुछ अनडाइजेस्टिव फूड होता है जो कि बॉडी के अंदर पड़ा रहता है और वो सड़ता रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वो भोजन पॉइजनस हो जाता है और हमारी बॉडी खराब होने लगती है। अगर समय पे इसको क्लीन नहीं किया जाता तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं, जैसे कि हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर एसिडिटी, गठिया, डायबिटीज, यहाँ तक कि कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए फास्टिंग करने से इन सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है, क्योंकि फास्टिंग करने से हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होती है, हमारी बॉडी को रेस्ट मिल जाता है डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में, इन पॉइजनस पदार्थ को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में फास्टिंग एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। फास्टिंग से हमारी बॉडी नेचुरली ठीक होती है। फास्टिंग करने से हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। हमारी बॉडी पहले से ज़्यादा फिट और एक्टिव महसूस करती है, हमारी बॉडी पहले से ज़्यादा फ्रेश महसूस करती है, हमारे दिमाग का स्पिरिचुअल लेवल और अधिक ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए पुराने समय से ही इसे हमारे धर्मों से जोड़ा गया है ताकि हम सब लोग कंपल्सरी फास्टिंग कर सकें। फास्टिंग आपको कम से कम एक दिन तो करनी ही चाहिए और फास्टिंग को आप लगातार एक वीक तक भी कर सकते हैं। फास्टिंग का सिस्टम तब गड़बड़ हो जाता है जब इंसान पूरे दिन तो फास्ट रख लेता है और जब वो फास्ट तोड़ता है तो वो डबल अमाउंट में खाना खा लेता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑयली। इससे फास्टिंग के फायदों की जगह हमें उसका नुकसान देखना पड़ता है। इससे हमारी बॉडी में गैस बन जाती है और एकदम से हाइपर एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि हम सुबह से तो पूरे दिन भूखे पेट होते हैं, खाली पेट होते हैं, लेकिन रात को हम एकदम से इतना ज़्यादा ऑयली खाना और वो भी ओवर ईट कर लेते हैं। फास्टिंग आप कैसे रखें? आप एक दिन से फास्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे समय बढ़ाएं, 1 दिन 2 दिन, और आप इसे लगातार 1 वीक तक कर सकते हैं। अगर आपका शरीर काफी कमजोर फील करता है तो आप 1 दिन से ज्यादा फास्टिंग ना करें। फास्टिंग में आप लेमन और हनी ले सकते हैं। फास्टिंग में आप लिक्विड डाइट ज्यादा लें, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूसेस, आप इनको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं डायरेक्ट। जितना हल्के से हल्का खाना आप लेंगे आपकी फास्टिंग उतनी ज़्यादा आपको फायदे देगी। फास्टिंग के बेनिफिट्स कमाल के हैं। ओवरवेट पर्सन को वीक में 2 से 3 दिन तक
फास्टिंग करनी ही चाहिए, इससे उसे अपने वेट को कम करने में भी मदद मिलती है और काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे वो लोग हल्का फील करते हैं, बॉडी में ब्लोटिंग नहीं होती और धीरे धीरे करके वजन कम होने लगता है, तो वो अपने आप को काफ़ी एक्टिव भी फील करते हैं, उनको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता है जब धीरे धीरे करके वेट कम होने लगता है। जो बीमार लोग होते हैं उनको कुछ भी खाने का मन नहीं करता, तो उनको ज़बरदस्ती खाना खाने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि वो जितना ज़्यादा भूखा रहेंगे, मतलब वो जितनी ज़्यादा फास्टिंग करेंगे, वो उतनी जल्दी ही अपनी रिकवरी कर सकेंगे, वो उतनी ही जल्दी उस रोग से ठीक हो सकेंगे। लेकिन उनको वीकनेस फील ना हो, इसके लिए आप उन्हें दूध दे सकती हैं, मिल्क दे सकते हैं, फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। और आपको कितने समय तक फास्टिंग करनी चाहिए, अगर आपको वीकनेस फील हो रही है तो इस चीज़ के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। एक मेन बेनिफिट ये है कि जब आप लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं तो आप अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा कम देते हैं, और जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कम अमाउंट में जाता है तो हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वहाँ से एनर्जी लेती है, और हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है उसमें जो डेड स्किन होती है और जो एज्ड सेल्स होती हैं उनको वो सबसे पहले बर्न करती है। तो इससे होता क्या है, इससे हमारे फेस पे ग्लो आता है, क्योंकि हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं। जब पुराने सेल्स बर्न हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी में एज्ड सेल्स होते हैं वो जब बर्न हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में नए सेल्स बनने लगते हैं। इसीलिए जो लोग फास्टिंग करते हैं उनकी बॉडी पे, उनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो होता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और हल्का महसूस करते हैं। और फास्टिंग करने का सबसे अच्छा बेनिफिट वेट लॉस में भी होता है, क्योंकि धीरे धीरे जब स्टोर्ड फैट बर्न होने लगता है तो हमारी बॉडी पहले से ज़्यादा स्लिम और एक्टिव फील करती है। मैं हर मंडे को फास्ट करती हूँ, आपको भी वीक में एक दिन ज़रूर फास्ट करना चाहिए, क्योंकि बीमार रहने से अच्छा है फास्टिंग की जाए, दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि फास्टिंग को दवा की तरह से यूज़ किया जाए। दोस्तों, आप भी फास्टिंग को ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करें और इसके रिजल्ट्स प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।